नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और कुछ अलग तरीके से बनाई है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और घर में रखी कुछ चीज़ों से हमने इसे बनाया है। इस तरह से मैंने टमाटर कट कर लिए हैं, थोड़ा सा तेल डाला था उसके ऊपर, इस तरह से टमाटर उल्टे रख दिए हैं। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 4 से 6 लहसुन की कली। इसे अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी से इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी नहीं सॉफ्ट हुए हैं और इसे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। जब अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर के छिलके निकलने लग जाएंगे, इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इतने अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। इस तरह से मैंने बची हुई 2 से 3 रोटी ली है और उसे स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो कैंची की सहायता से भी कर सकते हैं। मैंने चाकू से इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से इसे थोड़े मोटे और लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे। अब इसे एक पैन में 2 छोटे चम्मच के लगभग तेल डालेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। पास्ता होता तो हम इसे उबालते और रोटी है इसीलिए इसे हम सेक रहे हैं, नहीं तो इसमें केचप जाएगा तो ये एकदम से सॉफ्ट सी हो जाएगी और एकदम चिपचिपी सी हो जाएगी, जो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हमने इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लिया है। अब इसे निकाल लेंगे। हमारे टमाटर भी ठंडे हो गए हैं। इसकी स्किन इस तरह से निकाल लेंगे और इसे अच्छा इसका एक फाइन प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो कभी इसे चटनी के रूप में या सब्जी की ग्रेवी में भी यूज़ करके देखिए। बहुत ही आसानी से सब्जी में भी अच्छी बनने वाली ग्रेवी है और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी है ये। इस तरह से हमने 2 छोटे चम्मच के लगभग तेल लिया है और इसमें 2 से 3 लहसुन की कली डाली है। इसे हल्का सा ही भूनेंगे और एक बड़ा प्याज मैंने बारीक कट करके रखा था वो डाल देंगे। प्याज के पक जाने पे इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और प्यूरी डाल देंगे। नमक हमने प्यूरी में ही डाला था इसीलिए नमक हम नहीं डालेंगे इसमें। आप टेस्ट कर ले और फिर टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। इसमें अच्छा सा बॉईल आने के बाद एक अच्छा उबाल आ जाए, जब तक इसे अच्छे से पका लेंगे। और इसमें अब हमने जो क्रिस्प करी रोटियां हैं वो डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारी बची हुई रोटियों का भी इस्तेमाल हो गया और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। टमाटर बच्चों के लिए हेल्दी भी है और रोटियां भी खा लेंगे और पास्ता भी हम उन्हें दे देंगे। बहुत ही टेस्टी है, कम चीज़ों में बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और देखिए कितनी आसानी से बन के तैयार हो गई है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए।